अनफॉर्चुनेटली करण हैज बीन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल जो मुझे नहीं पता था एंड अचानक मैंने उनको देखा यू नो जो भी मेरा प्रूफ था मुझे ज़्यादा डिटेल्स मैंने डिस्कस करना है तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है तो मैंने कहा कि कुछ फिजिकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी या क्या ये एक सीरियस अफेयर है या फिर ये एक यू नो कभी होता है यू वर इमोशनल या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ वाइल इज लाइक नो आई लव समवन एल्स आई हैव बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विथ हर तो मैंने कहाँ से लड़की कब मिले आप उसको तो इसे वो दिल्ली से और जब जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सकें दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड उसके बाद बिकॉज एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था टू आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए जब ये हुआ भी आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती या थप्पड़ मार देती या गुस्सा हो जाती या आई डोंट नो क्या करती बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियां हैं या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स या यू नो वाइव्स होंगी पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ है तब उन्होंने ये सब बोला मेरा ये है वो है फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह रही हैं 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे क्योंकि काबिश छोटा है जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे हाँ मुझे लगता था कि नहीं जबकि ये एक प्रॉब्लम है यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली फिजिकली मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी यहाँ पर शायद मेरी गलती है कि मुझे पहले ये स्टैंड उठाना चाहिए था बट एनीवे फिर ये हुआ कि कल हमारी बहुत बहस हुई विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कभी मुझसे अलग से कभी करण से अलग से कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप यू नो इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है तो करण ने बोला नहीं हो सकता है इसके बीच में करण ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ यू नो लाइक मतलब बहुत ही चीप स्टफ आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोज डिटेल्स तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाया मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर इट्स जस्ट मी एंड माई मॉम सो विक्की हैज़ ऑलवेज बिन द ब्रदर इवन जब आप लोग शादी में भी आए थे उन्होंने मेरी बड़े भाई की सारी रस्में की थी तो मैंने और विक्की को भी मैंने बहुत बाद में बताया मम्मी को भी मैंने बाद में बताया एनीवे तो जब 4 दिन के बाद भी उन्होंने विक्की को कुछ एक चीज़ बोली और फिर वो चीज़ में मुकर गए तो मैंने करण को बोला अब मुझे आपसे बात करनी है एंड आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बींग बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू वॉट यू डन वो भी छोड़ो अगर हमारा आगे बच्चा उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही सो स्मार्ट घर में जहाँ जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पर ही डजेंट डू एनी थिंग बट जिस भी कमरे में लगे नार बेडरूम देयर इज नो CCTV कैमरा वहाँ पर ही यूज टू ऑलवेज बिहेव बैडली विथ मी एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी पहले भी उन्होंने आपसे मारपीट की कभी इससे पहले भी उन्होंने कभी हाथ उठाया आपसे हाँ उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है ये बहुत ही आम बात है बट इज़ एन एक्टर ही स्मार्ट ही अंडरस्टैंड कैमराज कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे कभी बैक से यू कांट शो प्रूफ नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स थोड़ा सा सर आप यहां सेंटर में आ जाइए प्लीज या तो सो दीज आर द इमेजेस इधर और मत करो जो पहले की हैं ये इमेजेस और मैंने लाइक आई सेड मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो राइट आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है बट व्हाई यू वर टॉलरेटिंग ऑल दिस सिंस बिकॉज़ आई लव हिम बिकॉज़ आई स्टिल लव हिम Because I still do, and I was stupid. Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. Sir, अब थोड़ा सा center में आ जाए क्योंकि वो camera या फिर madam को दे दीजिए. This is last night. यहाँ पे. हाँ थोड़ा इधर आ रहे हैं. दिखा रहे हैं. दिखा रहे हैं. बोलने की चाह. अरे madam हाथ थोड़ा निकालो. नीचे रखना. अरे उधर नीचे तो बना. पता है एक रिश्ता ग्रो होता है शुरू में अगर मैंने ये रूप करण का देखा होता तो शायद मेरा प्यार इतना भी नहीं था कि मैं नहीं छोड़ के जाती आज बहुत गहरा प्यार है सो इट वाज नॉट इजी एंड नहीं था ऐसा पहले ऐसा नहीं था 2007 में मैं उनसे मिली थी 2004
14 से तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया। उसके पहले भी हुआ था एक आध बार जैसे उन्होंने मुझे ज़ोर से मार दिया चांटा और मेरा इतना इट्स नॉट अ बेसिक चांटा लाइक मेरा जॉ हिल गया था। ऐसा हुआ था एक बार जब हम आकाशदीप पे रहते थे इन फोर बंगलोज बट आई थॉट यू नो इट्स ओके। और जो एग्रेशन की वो बात कर रहे हैं गुस्से की बात कर रहे हैं अगर आप एक सिचुएशन में से एक चीज़ उठा के वो कोई और सिचुएशन में चिपका देते तो ये दिस इज़ जस्ट वियर्ड। मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ अगर वो पूरी एक सिचुएशन की बात होती आई वुड हैव एक्सप्लेन करेक्ट। सो आई एम श्योर गुस्से में हमने कभी ना कभी कोई चीज़ तो फेंकी होगी हम सब ने ही। दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल दिस इज़ नॉट कि ये रोज़ होता है दिस इज़ नॉट दैट You'll have to cut short because you have to go for your stitches. Yeah, guys. So, so I have to take her to the doctor. She has to get her stitches done, which is very important. Yeah. And do thank you all for coming. Thank you very much. Thank you.